10 अप्रैल 2029 मानव इतिहास का वो दिन जब कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है। जिस एस्ट्रॉयड को साल 2004 में पहली बार डिस्कवर किया गया था और जिसको देखकर स्पेस साइंटिस्ट भी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली एस्ट्रॉयड नहीं है जो कि आए दिन धरती के करीब से गुजरता है। ये वो एस्ट्रॉयड है जिसे डूम्सडे यानी कयामत का दिन कहा जाएगा, और अगर ये धरती से नहीं टकराया तो ये धरती के बहुत ही करीब से गुजर जाएगा, और वो दूरी इतनी होगी कि 29 अप्रैल 2020 का एस्ट्रॉयड भी इसके सामने फीका पड़ जाए। तो दोस्तों, आपके सामने हाजिर है अब तक का सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड द एपोफिस। इस एस्ट्रॉयड को साल 2004 में किटपिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से पहली बार देखा गया था। अब कोई भी एस्ट्रॉयड जिसकी धरती से टकराने की संभावनाएं होती है, हम सबसे पहले उसके आकार को देखते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड 370 मीटर बड़ा है। अगर कंपैरिजन करें तो ये पेरिस के आईफेल टावर से भी ज्यादा लंबा है। जब साल 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था तब इसके डायरेक्शन को ट्रेस करने के बाद ये पता चला कि ये 2029 में हमारी धरती से टकरा सकता है, और इसकी धरती से टकराने की संभावना 2% के आसपास है। आमतौर पर धरती के पास से कोई एस्ट्रॉयड अगर एक बार गुजर जाता है तो ज्यादातर समय भविष्य में वो एस्ट्रॉयड वापस नहीं आता, लेकिन एपोफिस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये एस्ट्रॉयड 2029 में नहीं टकराया तो ये फिर से 2036 में धरती के पास से गुजरेगा। वैसे अगर खतरे के पैरामीटर से देखा जाए तो खतरा 2036 से ज्यादा साल 2029 में है। अब अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो साल 2029 में भी ये धरती में क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि 2% प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन ये धरती के बहुत ही पास से गुजरेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि ये इतने करीब से गुजरेगा कि इसे देखने के लिए आपको किसी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी, आप इसे खुली आंखों से ही देख पाएंगे। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, फिर ये इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ेगा। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड इतनी होगी कि अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अफ्रीका को क्रॉस करने में इसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे। जब ये हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब इसकी चमकती हुई रोशनी हमारे चंद्रमा से भी ज्यादा होगी। इस समय इसकी धरती से दूरी बस 30,000 किलोमीटर की होगी, जो कि धरती से चांद की दूरी से करीब 12 गुना कम है। अब इतना करीब आने के चलते अगर ये धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाए तो तब शायद ये धरती के लिए बहुत ही सीरियस इशू बन सकता है। तो अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान ले कि हम उन 2% में आते हैं जिसमें एपोफिस धरती से टकराएगा, तो उस केस में धरती का क्या होगा? एपोफिस से अर्थ को कितना डैमेज पहुंचेगा वो डिपेंड करने वाला है उसके गिरने की जगह के ऊपर, क्योंकि अगर वो जमीन में गिरा तो वहाँ आसपास जितने भी लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर यही एस्ट्रॉयड बड़े बड़े शहरों के पास मौजूद समुन्द्र में गिरता है तो उन शहरों को महासुनामी का सामना करना पड़ेगा, और इसी महासुनामी से वहाँ मौजूद लाखों लोगों की जाने जाएगी। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और अगर ये एकदम बीच समुन्द्र के गहरे पानी में गिरा तो उस केस में हम बच जाएंगे, क्योंकि गहरे पानी में इसका शॉक वेव ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। इन सब में एक अच्छी खबर ये है कि नासा और स्पेसएक्स आपस में मिलकर एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार करने की सोच रहा है, जिसे डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्ट टास्क या फिर शॉर्ट में डार्ट कहा जा सकता है। ये प्रोग्राम 22 जुलाई 2021 को स्टार्ट होगा, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम तैयार किया जाएगा। धरती पर ऐसा डिफेंस सिस्टम होना कुछ ना होने से तो बहुत ही बेहतर है। अगर डायनासोर्स के टाइम इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम होता तो शायद डायनासोर्स उस चिक्सलूब एस्ट्रॉयड से बच जाते। एक एस्ट्रॉयड धरती की क्या हालत कर सकती है, ये सबसे अच्छा हमें चिक्सलूब एस्ट्रॉयड से ही पता चल सकता है। तो अगर इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह 35,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हुआ तो अगला वीडियो डायनासोर एस्ट्रॉयड यानी चिक्सलूब एस्ट्रॉयड पर होगा। एपोफिस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये एस्ट्रॉयड भविष्य में धरती से टकराएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत